पीरियड हमारी 10 दिन लेट आई है, यानी कि डेट थी जो उससे 10 दिन बाद आई है। तो ये जो आ रहा है ब्लीडिंग, ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग तो नहीं है क्या? ये प्रेगनेंसी वाली ब्लीडिंग तो नहीं है या फिर पीरियड ही है? कैसे हम इसको समझें? इस तरह के आप लोगों के काफी आए दिन सवाल आते रहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको देखना रहेगा उसका फ्लो। जी हाँ, जैसे नॉर्मल आपको पहले पीरियड आती थी उस तरह का फ्लो है या नहीं है, उतनी ब्लीडिंग हो रही है या नहीं हो रही है। उससे अगर कम हो रही है, ड्रॉप में हो रही है, यानी कि स्पॉटिंग हो रही है, तो ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी हो सकती है। जी हाँ, तो आपको सबसे पहले फ्लो चेक करना रहेगा। फ्लो अगर कम आ रहा है, स्पॉटिंग में आ रहा है, आपको पैड लेने की भी आवश्यकता नहीं पड़ रही है, ड्रॉप ड्रॉप करके आ रहा है, तो ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी हो सकती है। इसमें आपको क्या करना रहेगा? इसमें आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना रहेगा। प्रेगनेंसी टेस्ट स्पॉटिंग के चलते भी कर सकते हैं या फिर 1-2 दिन रुक के भी कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना रहेगा। प्रेगनेंसी टेस्ट से कंफर्म हो जाएगा कि आप प्रेग्नेंट हैं या फिर नहीं हैं, ये पीरियड ही है या फिर हमें इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो रहा है ना। देखिए, जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है, प्रेगनेंसी लगने के बाद जो ब्लीडिंग आती है, किसी किसी महिला को बच्चा चिपकता है बच्चेदानी की दीवार से, तो वहाँ पे हल्की फुल्की ब्लीडिंग होती है, और ये पीरियड मिस होने के 10 दिन बाद भी हो सकती है और 5-7 दिन पहले भी होती है। अधिकतर महिलाओं को पहले ही हो जाती है, उनकी डेट अभी आई नहीं है पीरियड की, उससे पहले ही उनको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो जाती है, लेकिन कुछ महिलाओं को बाद में भी हो सकती है ना, जिसे हम लेट कंसेप्शन बोलते हैं। लेट में आपका बच्चा लगा होगा, तो यहाँ पे जो है आपको लेट में इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग शो होगी। तो उसके लिए सबसे पहले प्रेगनेंसी टेस्ट कीजिए। प्रेगनेंसी टेस्ट में हल्की लाइन आ रही है तो 2-4 दिन रुक जाइए, और मॉर्निंग के यूरिन से, जो फर्स्ट यूरिन होता है, उससे आप प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको सही रिजल्ट मिलेगा, है ना। और देखिए, कई बार क्या होता है कि थोड़ा बहुत अगर फ्लो कम आ रहा है, यानी कि नॉर्मल जो पीरियड होती थी पहले हमें, उससे थोड़ा बहुत कम फ्लो आ रहा है, तो ये कई बार ऐसा होता है कि इन्वायरमेंट चेंज हो गया, दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, या फिर हमारी तबीयत खराब हो गई, हमने मेडिसिन का सेवन किया था, है ना, कोई बीमार हम हो गए थे। इसके अलावा हमने काफ़ी फास्टिंग कर ली थी, डाइटिंग कर ली थी, तो उस वजह से भी फ्लो कम आ सकता है ना। कई ऐसे कारण रहते हैं जिसके चलते फ्लो कम आ सकता है। कई बार हम आईपिल का सेवन कर लेते हैं, अनवांटेड 72 ले लेते हैं, तो उस वजह से भी हमारे जो फ्लो है पीरियड का, वो कम आता है। तो इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है, टेंशन आपको नहीं होगी जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे, क्योंकि प्रेगनेंसी टेस्ट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप अंदाजे से नहीं लगा सकते कि ये पीरियड ही है या फिर हमें जो है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो रही है। प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे तो जल्दी कंफर्म हो जाएगा कि प्रेगनेंसी है या फिर जो पीरियड है वो हमें आ रहा है। तो उम्मीद करती हूँ आपका जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो आगे भी देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल बनी है उसको भी जरूर दबाइए और ऑल पे क्लिक कीजिए, तभी हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेंगे, आपसे वीडियो मिस नहीं होगी, क्योंकि आगे भी मैं इसी तरह के हेल्पफुल वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाने वाली हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।